हमारे पास है जी स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री, इनके जो नाम है ना वो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनकी तरफ से हैं, आई ट्रिपल ई इसको कहते हैं 802.1 बी, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री है। उसके बाद हमारे पास है रैपिड स्पैनिंग ट्री आ जाता है, नाम से आपको पता लग रहा होगा रैपिड मतलब फास्ट। फिर उसके बाद है मल्टीपल वी लेंथ, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, इस तरह से ये हमारे पास तीन कॉमन टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ी सी अगर देखें, ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना बिल्कुल, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता ना ही कोई यूज करता है। इसकी रीजन आपको बता देता हूँ। एक तो ये इसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो है और ये पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता। इसमें हमारे पास जो अब इसके जो कुछ मोड्स या वर्जन यूज हो रहे हैं वो है पीबीएसटी या पीवीएसटी प्लस, ठीक है, ये दो नाम है। पीबीएसटी स्टैंड फॉर पर वीलैन एसटी स्पैनिंग ट्री, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री एंड पीबीएसटी प्लस, और इसी का एडवांस हमारे पास जो फॉर्म है वो पीबीएसटी प्लस है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये जो होता है जितना भी हमारा नेटवर्क है, लेट सपोज अगर मैं दोबारा से वो फाइल ओपन कर लेता हूँ, जी ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम एज ए एग्जाम्पल। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में क्या होता था? अच्छा, ओवरऑल तो मैं बता देता हूँ क्या होता है हमारे पास। स्टैंडर्ड जो था ना, जितने भी हमारे मतलब डिवाइसेज होती थी या चीजें होती थी उसके लिए सेपरेट स्पैनिंग ट्री क्रिएट होता था। स्टूडेंट स्पैनिंग ट्री मैंने बताया तो है, आपसे ने शायद लेट ज्वाइन किया, मैं बता देता हूँ बार बार, फिर फायदा नहीं, ऐसे लेट हो जाएगा लेक्चर। स्पैनिंग ट्री जो होते हैं नेटवर्क में हमारे लूप्स जो क्रिएट होते हैं उसको ओवरकम के लिए हम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लूप्स नहीं बनने देता नेटवर्क में, अब लूप्स बनने लग गए तो हमारा नेटवर्क जो है वो उसमें चीजें जो है वो डिले से पहुंचेगा। लूप क्रिएट हो गया, एक चीज इसके पास सेंड होनी है वो उसके पास कभी भी नहीं पहुंचेंगी, वो कहीं और पहुंच जाएंगी या इसी प्रोसेस के बिटवीन स्ट्रक होती रहेंगी, ऐसे सर्कल करती रहेंगी, ठीक है। लूप्स इस तरह की चीजों को हम कहते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए कि चीजें हमारी करेक्टली वर्क करें तो उसके लिए स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं। अच्छा, ये क्या करती है सेपरेट, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू टू डॉट वन डी फॉर ईच वीलैन, हर वीलैन के लिए एक सेपरेट जो है ना स्पैनिंग ट्री क्रिएट होता है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। जितनी आपके पास वीलैन होगी उसके लिए, हर वीलैन के लिए सेपरेट आपके पास पर वीलैन स्पैनिंग ट्री क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे देखें, हमने दो वीलैन क्रिएट की थी ना, और मैं यहाँ पे जाके अगर कमांड देता हूँ, वेरीफाई हो जाएगा, दो वीलैन हमने क्रिएट की थी ना, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे आप देखिएगा वीलैन कहाँ पे हमारे पास, ये देखिए वीलैन 10 यहाँ पे क्रिएट हुई वेस्ट स्विच के अंदर, तो उसके लिए ये सेपरेट स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल रन हो रहा है सारा, और उसकी ये डिटेल आ रही है, ठीक है। सिमिलरली वीलैन 20 है, उस वीलैन के लिए स्पैनिंग ट्री सेपरेट से चल रहा है, ये देखें स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल किसके लिए, वीलैन 20 के लिए। तो जितनी आप वीलैन क्रिएट करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीलैन का इंस्टेंस वर्क कर रहा होगा, जिस तरह ये देखें यहाँ पे वर्क करता हुआ आपको शो भी हो रहा है, ये 10 के लिए सेपरेट स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है, ठीक है। ये 20 वीलैन की है उसके लिए सेपरेट रन करे। इसी तरह अगर मैं 30 क्रिएट करूंगा, 30 के लिए नीचे यहाँ पे सेपरेट आ रहा होगा, और वो वीलैन 30 यहाँ पे लिखा होगा, इसी तरह उसकी डिटेल आ रही होगी स्पैनिंग ट्री की, ठीक है। पर वीलैन बेस पे स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस क्रिएट होते हैं पीवीएसटी में, ये होता है पीवीएसटी का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है हमारे पास,
लेट्स सपोज अगर एग्जांपल भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर हमारे पास 100 वी लेंथ है, 100 वी लेंथ क्या होगा, अगर 100 वी लेंथ है तो इसका क्या मतलब होगा, 100 इंस्टेंसेस, 100 इंस्टेंस क्रिएट होंगे हमारे पास स्पैनिंग ट्री के, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और हर स्पैनिंग ट्री का अपना रूट और उसकी कैलकुलेशंस होंगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हर स्पैनिंग ट्री का एक हमारे पास सेपरेट रूट होता है, जैसे कि इसमें देखिएगा, मैं इसको जूम किया मैंने, ये जो होता है ना, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर रूट आईडी इसकी, ठीक है, इसकी एक रूट आईडी है, ये देखिए सेपरेट यहाँ पे रूट आईडी आ रही है, इनमें से एक स्विच अगर इसका एक लूप हम बनाएंगे तो आगे चल के आपको पता लगेगा कि इसमें एक रूट भी होता है और सारा कुछ होता है। ये देखें लिखा भी है, दिस ब्रिज इज द रूट, ये जो स्विच है, ब्रिज या स्विच का कॉन्सेप्ट सेम ही है यहाँ पे, तो दिस स्विच इज द रूट VLAN 10 में, ठीक है। VLAN 20 में क्या कह रहे हैं, इसका भी देखें सेपरेट रूट है, तो ये चीज बताना चाह रहा है कि हर स्पैनिंग ट्री का अपने रूट होगा, उसकी कैलकुलेशंस भी सेपरेट होंगी। ये देखें कैलकुलेशन, ये कॉस्ट है बेसिकली, ये कॉस्ट भी हम देखेंगे कैसे बनती है, क्रिएट होती है, ठीक है। यहां तक मुझे बताइएगा, आप सबको क्लियर है समझ आके, मैं ये टर्म लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। ठीक है, बाद आ जाता है MSTP, ये होता है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कुछ चीजें अगर आप नाम पे गौर करें ना तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जिस तरह रैपिड है तो मतलब फास्ट उसकी कन्वर्जर्स है, इसके बाद मल्टीपल स्पैनिंग ट्री है तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे मल्टीपल स्पैनिंग ट्री मैंने लिखा हुआ है, मैं उसी में से सेक्शन में जाके इसको स्टार्ट कर देता हूँ। MSTP, ठीक है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, It optimizes TVST, जो हमारे पास पर VLAN spanning spanning tree है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है, किस तरह, बाय मैपिंग मल्टीपल VLANs टू द सेम spanning tree instance। MSTP क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज कर देता है, कैसे, मैपिंग करके, मैपिंग किस तरह करना, डिवाइड कर देना, कोई VLANs अगर है हमारे पास तो उसको डिवाइड करके देन उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब मैं इसको जो MSTP है ना, इसका जो है वो उसे IEEE 802.S कहते हैं, ठीक है, IEEE के टर्म में, लैंग्वेज में इसको इस तरह बोलते हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज करता हूँ मेरे पास VLANs जो है वो 200 VLANs है, ठीक है, और अगर मैं इसको मतलब ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ मजीद, अगर देखें 200 VLANs है मेरे पास, अगर मैं उसको PVST पे कॉन्फ़िगर करूंगा ना, इसका मतलब स्पैनिंग ट्री के 200 इंस्टेंसेस बनेंगे, ऐसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 VLANs है तो 100 इंस्टेंस बनेंगे, अगर 200 VLANs है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर 200 VLANs है तो अगर PVST रन कर रहा होता तो 200 स्पैनिंग ट्री रन कर रहे हो, क्योंकि अब इतने ज्यादा लेवल पे अगर स्पैनिंग ट्री रन कर रहे हो तो पूरा नेटवर्क तो कोलैप्स हो जाएगा हमारा, और स्पैनिंग ट्री अपने ही मैसेजेस सेंड कर रहा होगा ज्यादातर नेटवर्क में, हमारा डाटा को तो मतलब बिल्कुल स्लोअर सेंड होगा। तो इस चीज से बचने के लिए जहां पे बहुत ज्यादा VLANs होती है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ VLANs होती है, वहां पे फिर हम MSTP कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई 10, 20, 50 तक VLANs है तो फिर हम पर VLAN स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कि इतनी एक तो फिर भी नेटवर्क को मतलब इतना ओवरहेड इंक्रीज नहीं होता नेटवर्क में, जब नेटवर्क VLANs क्रिएट हो जाती है फिर हम MSTP को प्रेफर करते हैं ज्यादातर।
एमएसटीपी क्या करता है, इसको डिवाइड कर लेगा दो चंक्स में, दो में भी कर सकता है, ज्यादा में भी कर सकता है, दो चंक्स में करके इसको डिवाइड कर देगा 100 व्हील एन ईच, ठीक है। इंस्टेंस दो चंक्स या दो इंस्टेंसेस में ब्रेक करता है, तो इंस्टेंस वन जो होगा वो कहेगा वन से लेके 100 व्हील जो है वो इसमें आ जाएंगी इंस्टेंस वन में, और दूसरा इंस्टेंस या दूसरा चंक जो है हमारा उसमें 101 से लेके 200 VLANs, इस तरह से करके सिर्फ दो इंस्टेंसेस बने हैं और हमारी VLANs सारों को हमने अकोमोडेट कर दिया है 200 VLANs के लिए सिर्फ दो इंस्टेंसेस, ठीक है। यही हम PBST में कर रहे होते तो हमें 200 इंस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं स्पैनिंग ट्री के। RSTP का जो टर्म है वो हमारे पास है IEEE 802.1W, ये डॉट वन एस था, ठीक है। रैपिड स्पैनिंग ट्री आपको जो मिलेगा ना, अगर आप सिस्को के स्विचेस में सर्च इसे करेंगे तो ये रैपिड PBST के नाम से मिलेगा आपको, PBST प्लस, ठीक है, ऑन सिस्को डिवाइसेस। अगर कोई और यूनिवर्सल डिवाइसेस हैं तो उसमें आपको शायद रैपिड स्पैनिंग ट्री मिले, लेकिन सिस्को की डिवाइसेस पे इसको रैपिड PBST प्लस का नाम है। अगर मैं किसी भी लेट सपोज स्विच में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जाके इसके मोड्स जो अभी हमने स्टडी किए हैं, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे क्योंकि कुछ नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स में आ जाती हैं चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कॉन्फिगरेशन मोड में जाते हैं, स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क, हमारे पास देखें तीन से चार चीजें आ गई हैं। तो मोड पे मैं जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो देखें क्या चीजें आ रही हैं, PBST एंड रैपिड PBST, जिसको PBST प्लस भी हम कह सकते हैं या RSTP भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, पर VLAN स्पैनिंग ट्री जितनी आप VLANs क्रिएट करेंगे उतने आपके स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस बनते जाएंगे, ठीक है। रैपिड PBST पर VLAN रैपिड स्पैनिंग ट्री, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है लेकिन इसकी कन्वर्जेंस फास्ट होगी, फौरन आपकी पोर्ट्स अप हो जाएंगी। नेक्स्ट हम अब थोड़ी सी इसकी वर्किंग देख लेते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास पेंट ओपन कर लेते हैं, उसमें आई थिंक सो बेटर रहेगा समझाना आपको। ये मेरे पास ठीक है, ये मेरे पास एक PC है, ये मेरे पास PCB है, सेकंड PC, ठीक है। बीच में मेरे पास दो स्विचेज हैं, स्विच वन एंड दिस इज स्विच टू। अब अगर मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पे PC1 स्विच वन PC2 एंड दिस इज स्विच टू, ठीक है। इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, ये शो करते हैं एक कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये आगे इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये आगे देन नेक्स्ट PC के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर भी मेंशन कर देता हूँ कि ये पोर्ट नंबर कौन सा था ताकि आसानी रहे समझने में। ये 0/1 था लेट सपोज, ठीक है। ये पोर्ट नंबर कौन सा था, यहाँ पे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अच्छा ये वाला इसके साथ जो पोर्ट कनेक्टेड है ये कौन सी है, 0/1 कर देता हूँ मैं, अपने से एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ये पोर्ट जो है ये कौन सी है जी, 0/2, ठीक है। अब मैं ज्यूम करता हूं कि हमारे पास एक और कनेक्शन भी है जो यहां से जा रहा है होता हुआ और इस स्विच को दोबारा से कनेक्ट कर रहा है, यहां से मल्टीपल कनेक्शंस हैं, मतलब PC2 के पास पहुंचने के लिए PC1 से दो रास्ते हैं हमारे पास, दोनों में से हम कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इनके भी हम लिख लेते हैं
पोर्ट्स जो हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टोपोलॉजी को। हमारे पास दो पीसीज हैं, पीसी वन एंड पीसी टू, उनके दरमियान में दो स्विचेज हैं, ठीक है। अब ये सारा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। पीसी वन के पास पीसी टू के लिए जाने के लिए दो रास्ते हैं। सिमिलरली पीसी टू अगर पीसी वन के पास जाना चाहता है उसके पास भी दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से? एक रास्ता ये है बिल्कुल डायरेक्टली चले जाएं, या दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से होते हुए नीचे आए और नीचे से होके ऐसे चले जाएं, समझाने के लिए। वरना केबल तो बिल्कुल सीधी भी प्लेस कर सकता था मैं बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने उसको नीचे से लेकर आया हूँ। पोर्ट नंबर मेंशन कर दिए जिस तरह स्विचेस पे होते हैं, 01 फास्ट इथरनेट, 02 ठीक है, इस स्विच का 01, इस तरह से करके कनेक्टेड हो गया। तो अब समझने की बात यह है कि मैं यहां पे दो मैक एड्रेस टेबल भी बना लेता हूं। मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल कर ले। सिमिलरली स्विच टू के लिए भी हम बना लेते हैं। इसमें मैक एड्रेस स्टोर होंगे जिससे वो मैंने आपको कहा था कि बता देता है कि अब ये प्रॉब्लम है इसमें। चलो खैर है, उसके नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पीसी वन था, ठीक है, उसने लेट सपोज डाटा भेजना था पीसी टू को। यहां से वो डाटा आया इस स्विच के पास 01 से, ठीक है। जैसे इस स्विच के पास आया 01 से, इस स्विच को क्या पता लगा कि 01 पे क्या अवेलेबल है? पीसी वन अवेलेबल है। तो स्विच वन ने अपने कैम टेबल में लिख लिया कि ए जो है मेरे पास वो कहां पे अवेलेबल है? पोर्ट 0/1 पे। मेरे स्टूडेंट्स, जैसे यहां से कोई डाटा पीसी वन ने भेजा पीसी टू के लिए, सबसे पहले स्विच वन पे रिसीव हुआ। स्विच वन को जैसे ही वो डाटा रिसीव हुआ तो उसने देखते ही अपने डाटा कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल में एंट्री कर ली कि मेरे पास जो पीसी वन है, मैं यहाँ पे पीसी वन इसको लिख देता हूँ, एक मिनट। पीसी ए, इसको पीसी बी कर देते हैं आसानी के लिए। देखिए पीसी ए एंड पीसी बी, स्विच वन को पता लग गया कि पीसी ए अवेलेबल है पीसी पोर्ट नंबर 01 पे, ठीक है। अच्छा, अब ये स्विच वन ने भेजा वही डाटा आगे स्विच टू को इधर से ही। स्विच जो होता है वो जिसको जिस पोर्ट से जो डाटा रिसीव होता है ना, उसको छोड़ के वो आगे हर तरफ ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। वो जो डाटा पीसी ए ने भेजा है वो 02 को भी उसने फॉरवर्ड कर दिया, इस पोर्ट पे भी फॉरवर्ड कर दिया, 03 पे भी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। मैं ज्यूम करता हूँ 02 वाला डाटा उसके पास पहले पहुंच गया, 02 पोर्ट से जो एग्जिट हुआ है स्विच वन की, वो 01 के पास पहले पहुंच गया। अब वो डाटा वहां से पहुंचा तो स्विच टू को पता लगा कि उसको भी पता लग गया कि ए कहाँ पे अवेलेबल है, इसी ए डिवाइस जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, पोर्ट 0/1 पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला भी तो डाटा आ रहा है इस तरह से, ये अभी यहाँ पे पहुंचा था तब तक उसे ये वाला डाटा रिसीव हो गया था। यहाँ पर ये वाला डाटा मूव ऑन किया, यहाँ पर आया तो वो डाटा मजीद निकल के आगे चला गया पीसीबी तक, आप समझ लें, ठीक है। ये वाला जो डाटा जो उसने एट अ टाइम यहाँ से ही फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे फॉरवर्ड किया था, यहाँ वाला अब पहुंच गया इस स्विच के पास दोबारा। वो जब स्विच टू के पास पहुंचा तो उसने कहा कि पीसी ए जो है वो कहां पे अवेलेबल है, 03 पे, क्योंकि वो उसको तो यहां से रिसीव हो रहा है इस वाली पोर्ट से जो 03 है यहां से, ठीक है। ये 02 हो गए यहां से,
डिलीशन की होनी चाहिए, जैसे सारा एक ही दफा में डिलीट हो जाए। अगर किसी को पेंट का ज्यादा बेहतर है तो वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कैसे होता है। ये जो है उसको पता लग गया कि पोर्ट 0/2 पे अवेलेबल है स्विच 1 की। पहले जो पैकेट उसके पास पहुंचा 02 से स्विच 1 की, उसने बताया कि जो ए है वो अवेलेबल है स्विच 1 की पोर्ट 0/2 पे, ठीक है। अब यहां से जो पैकेट पहुंचा वो उसने बताया कि जी ए तो अवेलेबल है कहां पर, ए अवेलेबल है पोर्ट 0/3 पे। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है किसके लिए, स्विच के लिए। स्विच के पास मतलब अब उसको समझ नहीं आ रही कि मतलब पहले उसने कहा कि ए अवेलेबल है 02 में, अब जैसे उसको रिसीव हुआ /03 से वैल्यू तो उसने इसको तो डिस्कार्ड कर देगा, वो खत्म कर देगा, उसकी जगह कैसे करेगा एंट्री, अपडेटेड एंट्री को सेव करेगा कि 03 पे अवेलेबल है। तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या होगा कि बी रिप्लाई भी तो भेजेगा, जो उसने डाटा भेजा है पीसी ए ने, बी ने उसका रिप्लाई भी तो देना है, ठीक है। अब यहां से वो जाएगा, पीसीबी ने रिप्लाई भेजा है स्विच 2 के पास। अब स्विच 2 जो है, मैं इस पे काटा डाल देता हूं ऐसे, ये अपडेट होके स्विच 3 हो गया, ठीक है। अब इसने जब रिप्लाई किया, इस स्विच के पास डाटा लेके जाता है कि मैंने ए को रिप्लाई करना है, तो स्विच 2 कहेगा मेरे पास जो मेरे कैम टेबल के मुताबिक ए अवेलेबल है 03 पे, तो वहां से ये 03 के पास जाता है। 03 के पास जाता है तो वो कहता है कि ए अवेलेबल है 01 पे, वो 01 पे वहां पे चला जाता है। इसी तरह जब पैकेट दोबारा दूसरा आता है क्या होता है कि इस तरह से कैम टेबल में इंस्टेबिलिटी रहती है, बहुत जल्दी वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। उस कंटिन्यूअस चेंज होने से एक टाइम आएगा कि उसमें लूप क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपकी सारी लूप बन जाएगी, डेटा आपका अल्टीमेटली इस पोर्शन में ही घूम रहा होगा, सिर्फ इस सारे एरिया में, ना सेंटर को सेंड हो रहा होगा ना रिसीवर को रिसीव हो रहा होगा, यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से डाटा जाएगा इसके पास, वो कहेगा कि यहाँ से तो इस स्विच के पास उसका डाटा अवेलेबल है, और यहाँ पे स्विच के पास जाएगा वो कहेगा स्विच 2 के पास अवेलेबल है। अल्टीमेटली क्या होगा, एक लूप हमारे पास बन जाएगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है। तो ना पीसी ए का डाटा पीसी बी तक पहुंच सकेगा, ना पीसी बी का डाटा पीसी ए तक पहुंच सकेगा। फॉर दिस पर्पस हम यूज करते हैं स्पैनिंग ट्री, जब भी हम मल्टीपल लिंक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, स्पैनिंग ट्री स्विच की एक फीचर होता है, अगर हम आगे चलें बीपीटी यूज, स्विच बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो बीपीटी यूज सेंड करते हैं। एक स्विच की निशानी हमें पता लगती है कि वो स्विच है, वो बीपीटी यूज सेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं ब्रॉडकास्ट डाटा पैकेट डाटा यूनिट, आई थिंक सो यही होते हैं, ठीक है। ये मेक श्योर करते हैं कि जी मैं यहाँ पे लिख करता हूँ डेफिनेशन, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पैनिंग ट्री। इन बीपीटीयूज के अंदर जो होता है ना ब्रॉडकास्ट पैकेट डाटा यूनिट्स, स्पैनिंग ट्री की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये एक है स्विच, कहाँ पे मैंने दो लगाए हूँ, हाँ ठीक है ये रहे। अगर ये तीन स्विचेस हैं, ये इसको मैं लास्ट वन को और वन को लास्ट को फर्स्ट एंड लास्ट को कनेक्ट कर दूंगा तो वह मेरी एक टोपोलॉजी बन जाएगी, जो हम अभी करेंगे भी नेक्स्ट में। तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है स्पैनिंग ट्री में किसी तरह में, अगर मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो बीपीटीयूज फ्लोट होंगे इस पूरे टोपोलॉजी में, वो बीपीटीयूज इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे कि जो स्विच वन है इसने अपना मोड चेंज कर लिया है, ठीक है। तो उसको सारे अडॉप्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा, जितने भी स्पैनिंग ट्री के न्यू वर्जन है वो याद रखिएगा पुरानों को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। तो बीपीडीयूज क्या होते हैं हमारे पास, ये स्पैनिंग ट्री की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये हमारे पास थ्री टाइप के होते हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है टोपोलॉजी नहीं कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, ये क्या करते हैं कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं दूसरे स्विचेस को इन्फॉर्म करने के लिए। अदर स्विचेस दूसरा हमारे पास है टोपोलॉजी चेंज, तीसरा है, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा राइट डाउन करके ना। Used to confirm the topology change notification। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि अदर स्विच उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या अपने पास उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे मोड चेंज किया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने कोई कमांड ऐसी रन की है जो स्पैनिंग ट्री के रिलेटेड है, तो इसका इन्फॉर्म करना बाकी स्विचेस को भी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखें, ये सिंक्रोनाइज जब तक होके नहीं चलेंगे तो स्पैनिंग ट्री प्रॉपर कभी भी वर्क नहीं कर सकता, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दूसरे स्विचेस तक पहुंचानी होती है कॉन्फ़िगरेशन की, जो इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं स्पैनिंग ट्री में। टोपोलॉजी चेंज, कोई आके न्यू डिवाइस आपकी ऐड हो जाती है टोपोलॉजी में। यहाँ से मैं एक लैपटॉप लूँ और उसको इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूँ, तो दिस इज अ टोपोलॉजी चेंज, एक नई डिवाइस आके एंटर हो गई है, ठीक है। या अगर कोई पूरी की पूरी एक सेपरेट वी लैन है उसको आके मैं कनेक्ट कर दूँ साथ, तो दिस इज ऑल्सो टोपोलॉजी चेंज। अब इसका टोपोलॉजी चेंज का दूसरे स्विचेज जो नेटवर्क में होंगे उसको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो काम कौन कैसे कर बीपीडी यूज करते हैं, टोपोलॉजी चेंज बीपीडी यूज करते हैं, और वो नेटवर्क में फ्लोट होते हैं जिस तरह आप मैसेज देखते हैं ना सिमुलेशन मोड में आते हैं, तो इस तरह वो बीपीडी यूज ऐसे सिमुलेशन मोड में रन हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट बीपीडी यू, ये मेक श्योर करते हैं कि टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली सारों का फ्लोट हो गया और सबको पता लग गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, सबने हाँ कर दिया कि हाँ भाई हमें पता लग गया है कि कोई चेंजिंग आई है। तो एक्नॉलेजमेंट लेना भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप किसी ब्रॉडकास्ट पैकेट डेटा यूनिट बीपीडीयूज, आप कहीं पे भी अगर कोई चीज़ जाते हैं ना, किसी चीज़ को सबमिशन देने गया, किसी को कैश देने जाते हैं, किसी को चेक देने जाते हैं, रियल वर्ल्ड में पैसे देने जाते हैं, तो आप उससे रिसीविंग लेते हैं कि एक्नॉलेजमेंट की रसीद लाजमी लेते हैं, ठीक है। आप कोई काम करवाते हैं अपने घर में एसी का या किसी भी चीज़ का, तो आप उससे बिल लेते हैं, वो बिल बेसिकली क्या है कि एक्नॉलेजमेंट होती है कि हमने आपसे काम करवाया है लाजमी, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट लाजमी लेनी होती है। क्लियर आपको ये तीनों टाइप बीपीडी यूज की? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हम, मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम, बल्कि ओपन ही है, ताकि हम जो है ना अब इस पर थोड़ी सी लैब इसकी देख लें।